अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एसन महमूद एंड वेलकम टू जायंस। आज की वीडियो में हम एक नया बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, फॉर्म्स, जिसके थ्रू हम ये देखेंगे कि हम यूज़र से डाटा कैसे हासिल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने टेबल्स के मुतालिक जाना था, आज की वीडियो में हम फॉर्म्स से स्टार्ट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं अपना कोड एडिटर ओपन कर लूंगा और लास्ट वीडियो में हमने ये फाइल इंट्रोड्यूस करवाई थी जिसमें हमने टेबल्स के मुतालिक जाना था, जो कि हमें एक लिस्ट व्यू डाटा बनाने में काम आता है। आज की वीडियो में हम एक सेटअप चैलेंज करेंगे जिसमें कि हम इस फाइल को फॉलो करेंगे। इसमें मैंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जिसको कंप्लीट करते हुए हम फॉर्म का जो सेटअप चैलेंज है उसको कंप्लीट करेंगे। हम एक फॉर्म डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाएंगे, उसमें टाइटल फाइल का ये सेट कर देंगे, ये हाइडिंग इंक्लूड करेंगे, इसको पैराग्राफ टेक्स्ट में इंक्लूड करेंगे और ये दोनों चीज़ें एक सेक्शन टैग में जाएंगी। उसके बाद हम उसके नीचे एक कमेंट ऐड कर देंगे इसके साथ, और इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इस फाइल का लिंक ऐड कर देंगे और इस फाइल के हेडर सेक्शन में इंडेक्स डॉट एच टी एम एल का लिंक स्टार्ट कर देंगे। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और इस चैलेंज को कम्प्लीट। होपफुली आपने ट्राई किया होगा, अब हम इसे मिलके कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम एक फॉर्म्स डॉट एच टी एम एल की फाइल बनाएंगे, फॉर्म डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर एच टी एम एल को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे। मैं उसका टाइटल लिख दूंगा जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टाइटल को मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी ये फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक अवेलेबल होगा। यहाँ पर अब मैं कंटिन्यू करूँगा और एक सेक्शन को इंट्रोड्यूस करवा लूँगा। यहाँ पे मैं H1 को इंट्रोड्यूस करवाऊँगा और इस हेडिंग को उसमें ऐड कर दूँगा। एक पैराग्राफ टेक्स्ट को लेके आऊँगा और ये जो टेक्स्ट है इसको उसमें इंसर्ट कर दूँगा। ऑप्शन प्लस Z की क्ली दबाऊँगा और लाइन ब्रेक ऐड कर लूँगा, सेव, और ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट हो जाए। यहाँ पर मैं एक कमेंट ऐड कर दूंगा ये वाला, और अब मैं इस फाइल का लिंक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ऐड करूंगा। मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में जाके इसे कॉपी पेस्ट करूंगा और इसे फॉर्म पे पॉइंट करके यहाँ से इसका टेक्स्ट ले लूंगा, जो भी इसका टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, गो टू फॉर्म पेज। इसे मैं क्लोज कर दूंगा और मैं टेबल डॉट एच टी एम एल में से, क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट टाइम ये चीज़ ऐड की थी, इसको यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी करके फॉर्म में इंसर्ट कर दूंगा, सेव करूंगा। और इसके साथ यहाँ पे आके जब मैं रिफ्रेश करूंगा, हमारे पास गो टू फॉर्म पेज ये आ गया है और इस पर क्लिक करके हम फॉर्म पेज पे आ गए हैं। और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो हम वापस होम पेज पे आ जाएंगे। मैं फॉर्म पेज पे वापस आता हूँ और यहाँ से अब हम अपना काम स्टार्ट करें। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, मैं साइड बार को कोलैप्स कर लूंगा और मैं यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा फॉर्म टैग। यहाँ पर इसने ये एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया है। फॉर्म टैग में ये दो से तीन एट्रीब्यूट हैं जिसमें एक एक्शन, मेथड और इनक्रिप्ट टाइप। ये तीनों एट्रीब्यूट मेनली जब हम पीएचपी में काम कर रहे होते हैं तब हम ये काम आते हैं, क्योंकि हम अभी सिर्फ और सिर्फ एचटीएमएल फंडामेंटल्स देख रहे हैं तो हम इन तीनों को स्किप करेंगे। यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर दूंगा और एंटर प्रेस करूंगा। फॉर्म का टैग, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में टेबल के टैग में स्टडी किया था कि टेबल का टैग जो मेन टेबल का टैग था वो भी एक रैपिंग टैग है जो कि टेबल को डिफाइन करने के लिए काम आता है, जिसकी वजह से कुछ स्ट्रक्चर भी चेंज होता है और फ्रंट एंड पे विजुअली भी उसका इफेक्ट पड़ता है। सिमिलरली फॉर्म टैग भी मेनली फॉर्म को डिफाइन करने के लिए यूज होता है और इसमें दो से तीन एट्रीब्यूट जो यहाँ पे हम स्टडी करेंगे उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, आज हम उसे स्टडी करने लगे हैं, एट्रीब्यूट जो एच टी एम एल में है वो है आईडी का एट्रीब्यूट। ये आईडी का एट्रीब्यूट एक ग्लोबल एट्रीब्यूट है, ये सिर्फ फॉर्म पे अवेलेबल नहीं बल्कि ये हर एक एच टी एम एल टैग पर अवेलेबल होता है। और इसकी खासियत ये है कि ये बेसिकली इस जो भी यहाँ पर एच टी एम एल का टैग है उसका आइडेंटिफायर है, ये यूनिक होना चाहिए। मीन के मैं यहाँ पे पैराग्राफ पे भी एक आईडी दे सकता हूँ, आप इसको इस तरह समझ लें जैसे आपका ये CNIC है, कि ये एक पर्सन है, हम टैग को यहाँ पे पर्सन कह देते हैं सिर्फ और सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, ये एक पर्सन है,
ये दूसरा पर्सन है, और इसी तरह हर एक टैग यहाँ पर एक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। हर एक टैग और आईडी यहाँ पर सीएनआईसी को रिप्रेजेंट करती है। हर एक जिस तरह हर एक पर्सन का सीएनआईसी डिफरेंट होता है, दो पर्सन का सीएनआईसी सेम नहीं हो सकता, उसी तरह ये आईडी भी दो टैग्स पर सेम नहीं हो सकती। मैं मतलब यहाँ पर एक आईडी दे दूं एलिमेंट वन, अब ये आईडी पूरे डॉक्यूमेंट में रिपीट नहीं मैं कर सकता, ये एक स्टैंडर्ड है। अगर आप कर देंगे तो बेसिकली कोई चीज फ्रंट एंड पे आपको कोई वार्निंग वगैरह तो शो नहीं होगी। यहाँ पे अगर मैं ऐड करके यहाँ पे आके कंसोल ओपन करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने कमांड प्लस ऑप्शन प्लस आई की प्रेस की। जो विंडोज यूजर हैं उनके लिए एक शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आई। ये चीज इस तरह दो एलिमेंट्स को सेम आईडी देना इनवैलिड है। मीन आपने किसी भी सूरत में दो एलिमेंट्स को सेम आईडी की वैल्यू नहीं देनी। हर एक एलिमेंट को एक डिफरेंट उसकी आईडी, अगर आप उसको आईडी का एट्रीब्यूट असाइन करना चाहते हैं तो उसकी जो वैल्यू होगी वो यूनिक होगी इस पूरे पेज में। मैं ये सेम आईडी अगर मैं यहां से कॉपी करके मैं सेम आईडी को इंडेक्स के पेज में तो किसी एलिमेंट को दे सकता हूं क्योंकि ये अब पेज चेंज हो गया, लेकिन एक पेज में ये आईडी सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को ही असाइन होनी चाहिए, ये दो एलिमेंट्स को असाइन नहीं हो सकती। ये आईडी का रूल है। आईडी के साथ एक और एट्रीब्यूट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है क्लास का एट्रीब्यूट। ये बेसिकली दोनों एट्रीब्यूट्स और जो भी एट्रीब्यूट्स होते हैं मेनली हम सिलेक्शन के लिए, एलिमेंट सिलेक्शन के लिए यूज करते हैं, और इस कॉन्सेप्ट को हम इंशाल्लाह जैसे ही हमारा नेक्स्ट सीएसएस का मॉड्यूल स्टार्ट होगा उसमें बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। आईडी एक एलिमेंट पे यूनिक होती है, दो एलिमेंट्स की सेम आईडी नहीं हो सकती। क्लास ये रिपीट हो सकती है, मीन मैं क्लास का एट्रीब्यूट मैंने यहाँ पर दिया है, मैं यहाँ पर इसको एलिमेंट वन कह सकता हूँ या फिर इसको एलिमेंट वन क्लास सोलह डिफरेंट करने के लिए, और ये मैं सेम क्लास इसको दे सकता हूँ, मैं ये आईडी इसको सेम नहीं दे सकता, मैं इसको एलिमेंट टू कह दूंगा ताकि वो हमारा एरर रिजोल्व हो जाए, जो ये जो स्टैंडर्ड मिस्टेक है वो रिजोल्व हो जाए। आईडी रिपीट नहीं होगी, एक पेज में एक इंडेक्स एक डॉट एच टी एम एल फाइल में जो भी एच टी एम एल की फाइल है उसमें एक आईडी सिर्फ एक दफा यूज होगी, और क्लास रिपीट हो सकती है, क्लास का कोई इशू नहीं है। आईडी के एट्रीब्यूट में सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू होगी, जबकि क्लास के एट्रीब्यूट में हम एक से ज्यादा वैल्यूज यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एलिमेंट्स इसकी क्लास भी दे सकता हूँ, सिंगल इसकी क्लास भी दे सकता हूँ, सिलेक्टेबल ये क्लास भी दे सकता हूँ। क्लास के एट्रीब्यूट में मैं जितनी चाहे क्लासेस का नाम ऐड कर सकता हूँ। इस कॉन्सेप्ट में हम वापस आएंगे जब हम सीएसएस के मॉड्यूल पे चल रहे होंगे। मैं अभी के लिए इसको यहाँ से रिमूव कर दूंगा और यहाँ से अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमने फॉर्म को एक आईडी असाइन कर दी, मैं यहाँ पर इसकी आईडी को फॉर्म का नाम दे दूंगा, और हम फॉर्म को नाम भी यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। ये जो आईडी है ये इसका आइडेंटिफायर है, और नेम ये इस फॉर्म का नाम है। यहाँ पे मैं इसको कह दूंगा पोस्ट क्रिएशन फॉर्म। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे इनपुट का टैग। मैं यहाँ पर एक इनपुट का टैग क्रिएट करूंगा, और इनपुट का जो टैग है वो सेल्फ क्लोजिंग टैग है, मीन इसका कोई एंडिंग टैग नहीं है। और इनपुट का टैग ये मोस्ट पावरफुल टैग है एचटीएमएल के अंदर, क्योंकि ये एक टैग के बहुत ही ज्यादा हम वर्जन्स बना सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे सेव करूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इसने यहाँ पर एक इनपुट क्रिएट कर दिया। यहाँ पर अब मैं आपको नेक्स्ट इसके कुछ एट्रीब्यूट्स दिखाऊंगा जो कि इनपुट टैग पे अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास एट्रीब्यूट अवेलेबल है वो है टाइप का एट्रीब्यूट, कि ये इनपुट किस टाइप की है, और बाय डिफॉल्ट इस टाइप के एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होती है वो है टैक्स। मैं इसको सेव करूंगा और यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो ना विजुअली कोई चेंज आया और ना ही स्ट्रक्चरली कोई चेंज आया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू टाइप ही होती है, इसकी वैल्यू टैक्स
टैक्स ही होती है इस टाइप एट्रीब्यूट की। ये टाइप का एट्रीब्यूट इनपुट को बताता है कि इसने किस तरह बिहेव करना है। नेक्स्ट जो हमारे पास एक एट्रीब्यूट है इनपुट पे, वो है प्लेस होल्डर का एट्रीब्यूट। ये एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं अपने इनपुट के अंदर एक प्लेस होल्डर टैक्स ऐड करने के लिए। आपने अक्सर जो ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं उनमें देखा होगा कि जो इनपुट होती है उसमें एक डल सा टैक्स लिखा होता है, जो कि जब आप इसमें क्लिक करके कुछ टाइप करते हैं तो वो गायब हो जाता है और आपका एक्चुअल टैक्स वहां पे शो होने लग पड़ता है। वो चीज हम इस प्लेस होल्डर के एट्रीब्यूट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। यहां पर मैं कुछ भी लिख दूंगा, एंटर पोस्ट टाइटल, और इसे सेव करूंगा। यहां पे आके रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पे मेरे पास वो डल टैक्स यहां पे आ रहा है, जिसका जो कलर है वो जरा डिम सा है। और यहां पे अगर मैं कुछ भी लिखता हूं, मैंने ए प्रेस किया, तो वो टैक्स जो प्लेस होल्डर का टैक्स है वो गायब हो गया और मेरा एक्चुअल टैक्स वहां पे शो हो रहा है। मैं इसको खत्म करूंगा, प्लेस होल्डर का टैक्स फिर आ जाएगा। ये चीज हमारी इस एट्रीब्यूट के साथ कंट्रोल होती है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो फॉर्म्स होते हैं उसमें कुछ जो फील्ड्स होती हैं उनमें वैल्यू तो कुछ लिखी होती है, लेकिन आप उनको मीन के उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये चीज सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बाय डिफॉल्ट इसमें वैल्यू कैसे ऐड कर सकते हैं, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप उस वैल्यू को सिर्फ और सिर्फ रीड ओनली कैसे बना सकते हैं। वैल्यू ऐड करने के लिए जो एट्रीब्यूट हमारे पास है वो है वैल्यू का एट्रीब्यूट। और अब मैं यहाँ पे कुछ भी वैल्यू ऐड कर देता हूं। यहाँ पे मैं जो चीज ऐड करूंगा वो यहाँ पे इस इनपुट की एक्चुअल वैल्यू के तौर पे शो होगी। यहाँ पे जैसे कि मैं ऐड कर देता हूँ पोस्ट वन और सेव करता हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये प्लेस होल्डर नहीं है। मैं रिमूव करूंगा तो सिर्फ वन रिमूव होगा और ये एक्चुअल इसकी वैल्यू हो गई है। अब मैंने इसको अगर रीड ओनली बनाना है तो यहाँ पर उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है रीड ओनली। मैं एंटर कर दूंगा, और मैंने लास्ट टाइम भी आपको पिछली एक वीडियो में भी बता चुका हूं कि इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो है ट्रू। और क्योंकि जो स्ट्रिंग होता है उसमें ट्रू और फॉल्स ये एज अ स्ट्रिंग कंसिडर हो रहे हैं, ये दोनों ट्रू ही कंसिडर होंगे। तो इसलिए जब स्ट्रिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू हो तो हमने ट्रू को वन से रिप्रेजेंट करना होता है और फॉल्स को जीरो से रिप्रेजेंट करना होता है। मैं यहां पर इसकी जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो जीरो होती है फॉल्स, कि ये रीड ओनली नहीं है। मैं सेव किया और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ। नेक्स्ट, इस फील्ड को रीड ओनली बनाने के लिए जो एट्रीब्यूट हमारे पास है वो है रीड ओनली। ये एट्रीब्यूट इस तरह इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है, ये हमने लास्ट एक वीडियो में भी स्टडी किया था कि इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू है ट्रू। और HTML में अगर आपने किसी एट्रीब्यूट की वैल्यू को फॉल्स करना हो तो उसका आपके पास तरीका होता है कि आप उस एट्रीब्यूट को ऐड ही ना करें। यहां पर मैं इसे सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि मैं इसके साथ इंटरेक्ट कर सकता हूं, मैं इसमें कोई चीज ऐड कर सकता हूं और रिमूव भी कर सकता हूं। लेकिन यहां पे आके अगर मैं रीड ओनली का एट्रीब्यूट ऐड कर देता हूं, सेव करता हूं और यहां पे आके रिफ्रेश करता हूं, तो अब मैं इस पे क्लिक करके इसमें कुछ भी ऐड वगैरह नहीं कर सकता। ये आपके पास था रीड ओनली एट्रीब्यूट। नेक्स्ट, आपने ऑनलाइन फॉर्म्स में देखा होगा कि काफी दफा कुछ इनपुट फील्ड्स ऐसी होती हैं जो कि डिसेबल्ड होती हैं, कि आप उस पर कर्सर लेके आते हैं, एक तो उनका जो टैक्स वगैरह होता है वो डल हो चुका होता है और दूसरा आपका जो कर्सर है वो नॉट अलाउड में कन्वर्ट हो जाता है। उसका हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है डिसेबल्ड। ये एट्रीब्यूट हम ऐड करेंगे और रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये जो फील्ड है वो डिसेबल्ड हो गई है, और इसका जो कर्सर है वो बेसिकली हम CSS के साथ कंट्रोल करते हैं, वो इंशाल्लाह हम CSS के मॉड्यूल में। ये हमारे पास कुछ डिफॉल्ट बेसिकली एट्रीब्यूट्स हैं। नेक्स्ट, मैं डिसेबल के एट्रीब्यूट और रीड ओनली के एट्रीब्यूट को रिमूव करूंगा और हम दो से तीन और एट्रीब्यूट्स को स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे इन दोनों को यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा और इन दोनों को सेकेंड में रिमूव कर दूंगा, और यहाँ पे मैं इसका टाइटल चेंज कर दूंगा, एंटर पोस्ट टाइटल, और इसको मैंने टू कह दिया वैल्यू को। रिफ्रेश किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक और इनपुट आ गई है। अब मैं चाहता हूं कि इसमें जो वैल्यू है वो 10 कैरेक्टर्स से ज्यादा कोई ऐड ना कर सके, मतलब मैं 1, 2, 3 अप टू 10 ऐड करूं, उसके बाद और कैरेक्टर्स ऐड ना कर सकूं।
उस चीज को कंट्रोल करने के लिए जो एट्रीब्यूट हमारे पास है वो है मैक्स लेंथ। इसको मैं 10 सेट कर दूंगा और यहां पर आके रिफ्रेश करूंगा। अब मैं यहां पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, मैंने 10 कैरेक्टर्स ऐड कर लिए। मैं और ऐड कर रहा हूं, मैं प्रेस कर रहा हूं बटन्स को, लेकिन यहां पे ये उसको ऐड नहीं करने दे रहा। आप इस तरह उसकी मैक्स लेंथ को कंट्रोल कर सकते हैं। और मिन लेंथ को कंट्रोल करने के लिए होपफुली आपने गेस किया होगा कि मिन लेंथ को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास सिमिलर एट्रीब्यूट है मिन लेंथ। यहां पे आप चाहते हैं कि जितनी इसकी मिनिमम लेंथ हो वो आप यहां पे इंसर्ट कर दें। मैं चाहता हूं कि मिनिमम 5 कैरेक्टर्स ऐड हो। मैं ऐड करूंगा और यहां पे रिफ्रेश करूंगा सेव करके। तो यहां पर जब मैं कुछ रिमूव करने की कोशिश करूंगा तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि यहां से मैंने रिमूव तो कर लिया, लेकिन ये चीज हमें मेनली मिन लेंथ का फायदा आपको तब नजर आएगा जब मैं नेक्स्ट एक वीडियो में, यहां पर मिन लेंथ अभी कोई इफेक्ट आपको शो नहीं करेगा। ये इफेक्ट आपको तब शो होगा जब हम फॉर्म को सबमिट करेंगे। वो मैं आपको नेक्स्ट फ्यूचर वीडियो में जब हम फॉर्म को सबमिट कर रहे होंगे तब मैं आपको इसका इफेक्ट दिखा दूंगा कि ये मिन लेंथ से फॉर्म पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। ये फॉर्म को सबमिट होने से रोकेगा जब तक कि इस इनपुट की मिनिमम करेक्टर लेंथ 5 के इक्वल नहीं हो जाता। नेक्स्ट, अब हम इस टाइप के एट्रीब्यूट पर स्टडी करेंगे कि इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपने अक्सर फॉर्म्स में देखा होगा कि आपके पास डिफरेंट टाइप के इनपुट एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास इनपुट टैग में इस टाइप एट्रीब्यूट की कौन कौन सी वैल्यू अवेलेबल है। जो मेन वैल्यूज हम आज की वीडियो में स्टडी करेंगे वो है ईमेल, पासवर्ड, कलर, डेट, नंबर, हिडन, और इसके अलावा हम कुछ और जो डिफॉल्ट टाइप्स हैं उनको स्टडी करेंगे, जिसमें कि फाइल और साथ में सबमिट। ओके, इसके अलावा जो और डिफॉल्ट टाइप्स होंगी उनको भी हम साथ में यहाँ पे ऐड भी कर लेंगे और स्टडी भी करेंगे। यहाँ पर मैं कंटिन्यू करता हूँ और इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को रिमूव कर दूंगा ताकि हम इसके प्लेस होल्डर को देख सकें, और मैं इसका प्लेस होल्डर चेंज कर दूंगा सिंपल टेक्स्ट इनपुट, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसकी टाइप को टेक्स्ट रखा हुआ है। मैं ऊपर वाले दोनों को कमेंट कर दूंगा और यहाँ पर आके रिफ्रेश करूंगा और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर सेट हो चुका है, यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट इनपुट आ गया। नेक्स्ट, अब मैं यहाँ पर ईमेल टाइप को चेक करूंगा। मैं इसे यहाँ पे कॉपी करूंगा और पेस्ट करूंगा और इसे चेंज कर दूंगा ईमेल पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास इतनी ज्यादा यहाँ पर टाइप्स अवेलेबल हैं इनपुट के लिए। मैं यहाँ पर अभी ईमेल के साथ कंटिन्यू करूंगा और इसे कर दूंगा ईमेल इनपुट, और मिन लेंथ और मैक्स लेंथ को यहाँ से रिमूव कर दूंगा। सेव करूंगा, रिफ्रेश, और ये एक ईमेल इनपुट यहाँ पर बन गई है। मैं सबसे पहले अब यहाँ पर ये सबमिट की एक इनपुट इंट्रोड्यूस करवाऊंगा ताकि हम फॉर्म को सबमिट कर सकें और इन दोनों में फर्क देख सकें कि इन दोनों में फर्क क्या है। मैं यहां पर आता हूं और एक सबमिट की इनपुट यहां पर इंट्रोड्यूस करवाता हूं, टाइप सबमिट। मैंने ये किया और इसकी मैंने वैल्यू कर दी, क्योंकि सबमिट, जब मैं आपको दिखा देता हूं, जब हम सबमिट की टाइप की इनपुट इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो एक बटन की तरह बिहेव करती है, और यहां पर आप देख सकते हैं कि उस बटन की जो वैल्यू है वो है सबमिट। हम यहां पर वैल्यू लगा के सबमिट द फॉर्म करते हैं, सेव, रिफ्रेश, तो इसके थ्रू मैं इसकी जो टेक्स्ट है उसको कंट्रोल कर सकता हूं। अब मैं इसको सबमिट करता हूं तो अभी के लिए आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म एज इट इज सबमिट हो गया। इसने यहां पर कोई वैलिडेशन नहीं की कि ये जो ईमेल है ये यहां पे खाली है या कि एक वैलिड ईमेल नहीं है। इस चीज के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट है, सबसे पहले इस चीज को कंफर्म करने के लिए कि यहां पर ये जब तक कोई यूजर इस इनपुट में कोई डाटा एंटर ना कर ले वो इस फॉर्म को सबमिट ना कर सके, इसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट है रिक्वायर्ड। मैं रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ऐड करूंगा, सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। अब जब मैं इसको सबमिट करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटिक वैलिडेशन मुझे शो हो रही है, प्लीज फिल इन दिस फॉर्म। मैं इसको एंटर कर दूंगा, मैंने यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर दिया,
और मैं सबमिट करता हूँ तो फॉर्म सबमिट हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाटा पेज रिफ्रेश हुआ था और यहाँ से डाटा सारा खत्म हो। मैं यहाँ पर वापस आके ये रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ईमेल के साथ भी ऐड कर देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश करता हूँ। अब जब मैं सबमिट करूंगा, सबसे पहले जो पहली खाली इनपुट होगी जिसमें कि रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा, ये उससे स्टार्ट करेगा। मैं इसमें डमी डाटा ऐड कर दूंगा, फिर सबमिट करने की कोशिश करूंगा। अब ये देखें कि यहाँ पे मुझे वो दूसरी वैलिडेशन भी शो कर रहा है। ये लास्ट टाइम भी इसने शो कर ली थी, लेकिन लास्ट टाइम मैंने डाटा थोड़ा ज्यादा एंटर कर दिया था। और अब आपने ये भी देख लिया कि ये मिल लेंथ का जो एट्रीब्यूट है ये सही काम कर रहा है। मैंने क्योंकि 5 से कम करेक्टर्स ऐड किए हैं तो वो मुझे कह रहा है कि इसकी जो मिनिमम लेंथ है वो 5 करेक्टर होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा मैं लिख ही नहीं सकता। मैं कॉपी करके पेस्ट भी करूंगा तो काम नहीं चलेगा। ओके, तो मैक्सिमम लेंथ से ज्यादा ये लिखने देता नहीं है। मिनिमम लेंथ से कम अगर लिखा हो तो और रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट ऐड किया हो तो जब हम सबमिट करते हैं तो ये उसकी वैलिडेशन में बताता है कि भाई कम से कम 5 जितने हमने मेन लेंथ सेट की हो। मैं यहाँ पे 5 एंटर कर देता हूँ, अब ये वैलिडेट हो जाएगा। सबमिट करूंगा तो ये इनवैलिड है क्योंकि हमने यहाँ पे भी रिक्वायर्ड कह दिया। अभी सिर्फ ये कह रहा है कि इसमें कोई वैल्यू होनी चाहिए। मैं सिर्फ डमी वैल्यू ऐड कर देता हूँ, ABC ASD, और सबमिट करता हूँ तो अब ये इस पे दूसरी वैलिडेशन भी लगाएगा कि ये जो है प्लीज ये एक इनपुट होनी चाहिए। ये जो इनपुट की वैलिडेशन है ये लगी है टाइप इनपुट की वजह से, तो ये एक आपको ऑटोमेटिक वैलिडेशन लग रही है। अब मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, सेव करूंगा तो अभी ये कह रहा है कि ये भी एक वैलिड इनपुट नहीं है, यहाँ पे ऐड के बाद कुछ होना चाहिए। मैं सबमिट करूंगा तो अब ये सबमिट हो जाएगा। ऑब्वियसली वो भी एक वैलिड इनपुट नहीं थी, लेकिन जो बाकी एडवांस वैलिडेशन, इसमें सिर्फ और सिर्फ बेसिक वैलिडेशन लगी हुई है कि ऐड के सिंबल के बाद कोई टेक्स्ट होना चाहिए। मैं सिर्फ यहाँ पे ए लिख दूंगा तो ये एक वैलिड इसको कंसिडर कर देगा और यहाँ पे 5 करेक्टर ऐड कर दूंगा तो ये वैलिड है। बाकी जो एडवांस वैलिडेशन होती है कि एक प्रॉपर इनपुट के एक प्रॉपर ईमेल हो, वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू लगाते हैं, वो इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल में देखें। नेक्स्ट अब हम कंटिन्यू करेंगे। हमने 3 टाइप अभी तक स्टडी कर ली, टेक्स्ट, ईमेल और सबमिट। लेकिन ईमेल के साथ हमें एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट इनपुट टाइप होती है जो कि हम अक्सर जगह पे यूज करते हैं, जैसे लॉग इन, साइन अप, इस तरह के फॉर्म्स पे, वो है पासवर्ड। पासवर्ड क्योंकि जब यूजर एंटर कर रहा हो हम उसको ऐसे शो नहीं कर सकते। अगर ऐसे शो करेंगे तो अगर कोई और पास होगा तो वो उसका पासवर्ड यहाँ पे देख सकता है। तो उसके लिए जो एक प्रोटेक्टेड फील्ड हमारे पास होती है वो है पासवर्ड की फील्ड। इसको मैंने एंटर किया और इसका प्लेस होल्डर ऐड कर दूंगा और इसे रिक्वायर्ड भी कर दूंगा ताकि इस पर वैलिडेशन लग जाए। पासवर्ड इनपुट, यहाँ पे रिफ्रेश किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं पासवर्ड की जो फील्ड है वो आ गई। मैं पहली वाली जो इनपुट्स हैं उनमें से रिक्वायर्ड खत्म कर दूंगा ताकि जो हमारी फॉर्म सबमिशन है वो जरा स्मूथ और फास्ट रहे। रिफ्रेश किया, फॉर्म सबमिट, यहाँ पे ये कह रहा है कि इस फील्ड में डाटा होना चाहिए क्योंकि अभी इसके साथ रिक्वायर्ड लगा हुआ है। यहाँ पे अब मैं, आपने गौर करना है, मैं इसको थोड़ा अनलार्ज कर देता हूँ। यहाँ से मैं कमांड प्लस सिंबल दबाता हूँ इसको जूम इन करने के लिए। यहाँ पे अब मैं एंटर करूंगा कोई डाटा ABC, तो आप देख सकते हैं कि ये जो है स्टेरिक्स में ऐड हो रहा है, एक्चुअल डाटा मुझे शो नहीं कर रहा। तो ये इसकी एक सिक्योरिटी फीचर है पासवर्ड टाइप इनपुट की, ताकि जो यूजर टाइप करे वो किसी और को शो ना हो। लेटर कोर्स में जब हम जावास्क्रिप्ट का मॉड्यूल कर रहे होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि हम इसके साथ एक आई आइकॉन कैसे इंसर्ट कर सकते हैं कि जब हम उस आई आइकॉन पे क्लिक करें तो ये जो पासवर्ड की जो पासवर्ड की इनपुट टाइप है ये सिंपल टेक्स्ट इनपुट टाइप में कन्वर्ट हो जाए, ताकि यूजर खुद देख सके कि उसने क्या एंटर किया था। वो फिर उसी आइकॉन पे क्लिक करेगा तो हम इसे फिर दोबारा पासवर्ड टाइप पे कन्वर्ट कर देंगे। अभी के लिए मैं सबमिट करूंगा तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और इस पे हमने कोई वैलिडेशन नहीं थी लगाई कि जो मिन लेंथ है वो 5 होनी चाहिए या 10 होनी चाहिए। मैं यहाँ पे 6 लगा देता हूँ और यहाँ पे 1 प्रेस करके मैं यहाँ पर मैंने मिन लेंथ 6 सेट कर दी। और यहाँ पर आके अब 1 2 प्रेस करके सबमिट करूंगा तो ये मुझे यहाँ पे ये वैलिडेशन भी देगा कि इसकी मिनिमम लेंथ 6 होनी चाहिए। ओके, अभी के लिए मैं इस वैलिडेशन को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इनपुट टाइप से। मैं इसको एज इट इज कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। नेक्स्ट इनपुट टाइप जो हम स्टडी करेंगे वो है, हमने ईमेल कर ली, पासवर्ड कर ली और सबमिट कर लिया। नेक्स्ट हम कलर, डेट, नंबर, हिडन और फाइल इनपुट टाइप को स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं
कलर ऐड करता हूँ, और इसके साथ होपफुली आपने गेस कर लिया होगा कि हमें एक कलर पिकर मिलेगा। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका प्लेस होल्डर यहाँ पे नहीं शो हो रहा, मतलब इस प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का जब हम टाइप को कलर सेट कर देते हैं तो वो नलीफाई हो जाता है, उसका कोई फायदा नहीं रहता। सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा, यहाँ पे हमारे पास एक प्यारा सा कलर पिकर अवेलेबल हो जाता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे आप नीचे से इसको चेंज कर सकते हैं, चाहे तो डॉक्यूमेंट्स में इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और ये ऑटोमेटिक हमें अवेलेबल है। यहाँ पे मैं बाहर क्लिक करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक किया और बाहर क्लिक करूंगा तो ये कलर यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप रिक्वायर्ड की जो फील्ड है, रिक्वायर्ड की जो वैलिडेशन, वो इस पर लगा सकते हैं। मैं रिफ्रेश करूंगा, सबमिट करूंगा, अभी फॉर्म सबमिट हो गया, लेकिन मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड इस पर लगा दूंगा, सॉरी रिक्वायर्ड। सेव, रिफ्रेश। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे इनपुट डेट। यहाँ पे मैं डेट पे आके एंटर करूंगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, और इस नेम के एट्रीब्यूट पे मैं अभी मूव करूंगा। आईडी का एट्रीब्यूट हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि ये इस इनपुट का एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा, और नेम का एट्रीब्यूट भी हमने यहाँ पे स्टडी किया। यहाँ पर ये फॉर्म का नाम था, और जब हम इनपुट पे इसको यूज करेंगे तो ये इस इनपुट का नाम बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इसका जो भी नाम रखना चाहें, डेट सिलेक्टर, ओके, उसका नाम रख सकते हैं, और आईडी भी जो भी रखना चाहें सेम रख सकते हैं, डेट सिलेक्टर। लेकिन ये अब आईडी इस पूरे एचटीएमएल के फाइल में रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये नाम और ये आईडी रिपीट नहीं होनी चाहिए, ये नाम और ये आईडी, ये दोनों इस एक एचटीएमएल की फाइल में रिपीट नहीं होने चाहिए, ओके। हमारे पास जो रिपीट हो सकती है चीज वो है क्लास और टाइप, मतलब हमारे पास एक ही HTML की फाइल में हम दो डेट टाइप की इनपुट रख सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन उनका नाम और आईडी जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों जो है इसके आइडेंटिफायर है इस फॉर्म में। ये एक फॉर्म है, अगर मैं एक और फॉर्म इंट्रोड्यूस करवा देता हूं तो उसमें ये नाम रिपीट हो जाएगा, लेकिन उस फॉर्म में ये आईडी रिपीट नहीं हो सकती। नाम जो है वो फॉर्म तक यूनिक रहना चाहिए, आईडी जो है वो एक पूरी HTML की फाइल में यूनिक रहनी चाहिए, ये हमारा स्टैंडर्ड है, ओके। क्लास को मैं यहां से रिमूव कर दूंगा, यहां पे मैंने डेट एंटर किया और इसको मैं यहां से अभी के लिए रिमूव कर दूंगा। सेव, रिफ्रेश, और यहां पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक डेट पिकर आ गया। मैं इस पे क्लिक करूंगा, आप यहां पे क्लिक करके उसको ओपन नहीं कर सकते, आपको इस कैलेंडर पे क्लिक करना होगा तब ये डेट पिकर ओपन होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत ही प्रॉपर और एडवांस आपके पास डेट पिकर है, जो कि काफी पीछे चला जाता है। यहां से आप जो भी डेट सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे नंबर इनपुट को। मैं यहाँ पर इनपुट लिखूंगा और यहां से नंबर स्क्रॉल डाउन करके नंबर को सिलेक्ट कर लूंगा। अगेन नाम और डेट उसने एंटर कर दिया, मैं उसको रिमूव कर दूंगा अभी के लिए। सेव करूंगा और रिफ्रेश करूंगा। यहाँ पे आपको ये बेसिकली, अगर मैं इस पे होवर ना करूँ तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर लगता है जैसे कि ये सिंपल टेक्स्ट इनपुट है, लेकिन टेक्स्ट इनपुट में हम एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट भी, उसके अलावा नंबर्स भी, स्पेशल सिंबल्स भी, कुछ भी एंटर कर सकते हैं टेक्स्ट इनपुट में। लेकिन जो नंबर इनपुट है उसमें मैं ना तो जो है टेक्स्ट इनपुट कर सकता हूँ ABC, ना ही स्पेशल सिंबल्स इनपुट कर सकता हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज आएगी जो कि न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हैं। इसमें एक्सेप्शन है ई की, क्योंकि ई जो न्यूमेरिक में वो एक्सपोनेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये जो है अलाउ हो जाता है। इसको हम जावास्क्रिप्ट के साथ हैंडल कर लेते हैं कि ई को भी अलाउ नहीं करना, वो हम जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल में देख। अभी के लिए मैं ई को रिमूव कर दूंगा, ई एक्सेप्शन है, बाकी यहाँ पे सिर्फ मैं अगर ABC कोई और एंटर करने की कोशिश करूंगा तो वो एंटर नहीं। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर लास्ट, जो सेकंड लास्ट हमारी फील्ड टाइप रहेगी वो है हिडन। यहाँ पर मैं एक हिडन की इनपुट टाइप ऐड करूंगा, और होपफुली आपने इसे गैस कर लिया होगा कि इससे क्या होगा कि ये हिडन होगी, मतलब ये फ्रंट एंड पे शो नहीं होती, ये सिर्फ और सिर्फ हम खुद एज अ प्रोग्रामर यूज करते हैं कोई ऐसा डाटा बैकएंड में भेजने के लिए जो कि हम यूजर को नहीं दिखाना चाहते। जैसे कि ये इसमें क्या हो सकता है, यूनिक आईडी फॉर यूजर हो सकता है, मतलब हम इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली यूजिंग जावास्क्रिप्ट कोड सेट कर देते हैं, और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, यूनिक
यूजर आईडी, यूजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, पेज को रिप्रेजेंट करने के लिए, फॉर्म को, किसी भी कोई ऐसा डाटा जो हम यूजर को दिखाना नहीं चाहते उसके लिए हम हिडन इनपुट को यूज करते हैं, क्योंकि ये फ्रंट एंड पे यहाँ पे शो नहीं होती। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे फाइल इनपुट, क्योंकि हर एक फॉर्म में हमें कम से कम एक ऐसी इनपुट चाहिए होती है जिसके थ्रू हम इमेज को, किसी किस्म की फाइल को अपलोड कर सके। उसके लिए जो हमारे पास इनपुट टाइप है वो है फाइल। मैं यहाँ पर इनपुट कॉलन फाइल एंटर करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ये आईडी, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, यहां से भी नेम को रिमूव कर दूंगा। सेव, रिफ्रेश, यहां पे आपके पास ये पूरा हिस्सा चूज फाइल और उसके आगे ये नो फाइल चूजर, मैं इस पर क्लिक करूंगा। यहां पर मैंने इस बटन पे क्लिक किया, मेरे पास ये फाइल पिकर ओपन हो गया। यहां से मैं डाउनलोड्स में जाऊंगा और जो हमने इमेजेस डाउनलोड की हुई है उसमें से ये इमेज एसवीजी डाउनलोड करूं, सॉरी सिलेक्ट करूंगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने इमेज सिलेक्ट की थी उसका नाम यहाँ पे शो हो रहा है। लेकिन एक जो अभी यहाँ पे इश्यू है वो ये है कि मैं दो फाइलें यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकता। मैंने यहाँ पे कमांड का बटन दबाया हुआ है जो कि नॉर्मली यूज होता है दो फाइलों को सिलेक्ट करने के लिए, लेकिन अभी मैं दो को सिलेक्ट नहीं कर सकता, अभी सिर्फ एक ही सिलेक्ट हो रही है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक इस तरह की इनपुट ऐड करें जो कि मल्टीपल फाइल्स को सिलेक्ट कर सके, उसका तरीकाकार ये है कि आप उस फाइल टाइप की इनपुट पे मल्टीपल का कीवर्ड ऐड कर दें, मल्टीपल का एट्रीब्यूट ऐड कर दें। इसे सेव करूंगा, रिफ्रेश करूंगा। अब की बार यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें भी चेंज आया है। पहले यहां पे चूज फाइल था, मैं आपको दिखा देता हूं। रिफ्रेश, चूज फाइल मतलब सिंगल फाइल सिलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने मल्टीपल ऐड किया तो ये चेंज हो गया, चूज फाइल्स, यहां पे मैंने उस पर क्लिक किया और यहाँ पर मैंने एक फाइल को सिलेक्ट किया और कमांड दबा के या विंडोज पे कंट्रोल दबा के दूसरी फाइल पे क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं कि इसने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। ओपन करूंगा तो ये यहाँ पर नाम शो करने के बजाय मुझे शो कर देगा कि मैंने कितनी फाइल्स सिलेक्ट की। इसी के साथ जो हमने यहाँ पर मेंशन किया था वो सारी टाइप्स को हमने स्टडी कर दिया। इसके अलावा भी जैसे आप देख सकते हैं कि इनपुट की हमारे पास काफी ज्यादा और टाइप्स अवेलेबल है, जिसमें कि हम नेक्स्ट वीडियो में चेकबॉक्स इस टाइप को स्टडी करेंगे, उसके बाद हम स्टडी करेंगे रेडियो, रेंज, रीसेट, और इसके अलावा हम स्टडी करेंगे टेल फॉर टेलीफोन, यूआरएल, और ये मेन जो इनपुट टाइप्स हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। यहाँ पे अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगा और इससे हम ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब टू माय चैनल।